और हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनालिटी है, मैं उनको आदर सम्मान के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा, डायमंड केसी छाबड़ा सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू शाम जी। बहुत कम शब्दों में अगर मैं आपको ये बात कहूं, और एक लाइन में शायद अगर आप बहुत सारी चीजें समझना चाहें, ये बहुत ही एक एग्रेसिव प्लान है जिसमें वो कहते हैं अब तक हम जो बात एक डायलॉग सुनते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला और गर्म मतलब आरसीएम का नाम आना शुरू हो जाएगा ना। ये इतना एक्साइटिंग हो गया कि वो हर एक आदमी को इसमें और बहुत सारी ऊर्जा, हर छोटे छोटे लेसे से लेके बड़े बड़े तक सबको, मतलब इसमें कोई बैठ ही नहीं पाएगा, मतलब सब एकदम हमेशा वो एग्रेसिव रहेगा और हमेशा काम करता रहेगा और अच्छे से काम करता रहेगा। मतलब कोई ऐसा भी नहीं होगा कि कोई किसी को परेशानी होगी, और इजी वे में ज्यादातर जो प्लान होते हैं मार्केट में वो टेंशन वाले होते हैं, ये रिलैक्स वाला भी है और एक्साइटमेंट भी है। और एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इस प्लान में आने का रास्ता बड़ा कर दिया गया है और जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, मतलब सारे रास्ते ही बंद कर दिए, वो जितनी भी घर की खिड़कियां दरवाजे सब सारे जो है बाहर वाले पीछे वाले सब बंद कर दिए। अभी तक लोग कहते हैं कि हम आते हैं और मंदिर में जैसे दर्शन करके चले जाते हैं वैसे वापस चले जाते हैं, तो अब हम कह रहे हैं कि मंदिर में आप आए हो तो बस आप मंदिर को अपना घर बना लो, तो यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे, जाएंगे नहीं तो आप समझते कि संख्या कितनी बड़ी हो सकती है। और करोड़ों लोगों को जो अकोमोडेट करने की पावर जो इस दुनिया में सिर्फ आरसीएम के पास है, वो अब आप एक बहुत बड़ी तादाद बहुत बड़ी संख्या आप देख पाएंगे। और जो आरसीएम की आइडेंटिटी रही है कि जहाँ पे हम लोग जहाँ जाते थे वहां पे और कुछ नजर नहीं आता था, जिस शहर में चले गए वहाँ के सेमिनार्स ऑडिटोरियम सब सेमिनारों से भर जाते थे, वो सिलसिला अब आपको फिर से यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो पूरा माहौल आपको बनाएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ टीसी सरकार, जिन्होंने मतलब तो उन बारीक पहलुओं का ध्यान रखा और उन सब चीजों का जहाँ पे शायद हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि क्या क्या होगा, तो बहुत बहुत थैंक्स। और सभी कोर साथियों को जिन्होंने इसको इस मूर्त रूप देने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, थैंक यू सर, थैंक यू श्याम जी।